पूरा बैठ दो इतनी कौन सा यानी ये जोर का बोला था कमाई चाहिए तू तो चेक करे आपने यार ये करो भाई साहब ये करो भाई साहब और दारू भी रखे नहीं यार ये बताओ भाई साहब ना तो इनको बना ले भाई जो अधिकारी है उनको बुला ले जो अधिकारी है ना चेयरमैन सब मिल रहे हैं सब कमाई कर रहे हैं यहाँ पे कोई बेस टिकाऊ नहीं है यहाँ पे सारी अपनी आप ही आप लेके जा रहे हैं लाल पर्ची एक एक टिकट की लाल पर्ची दिखा दो मान दूंगा मैं गलत और सही को नहीं कहता मैं तो ये जानता हूँ ये पर्ची किसने बना के दी है वो बताओ किसके हैंडराइटिंग है मेरे कमा गाड़ी पड़े मेरे कमा गाड़ी पड़े बिंगी पर्ची न्यारी और मेरे मुँह गाड़ी लिख रहा है छपो करा के बिंगी पर्ची न्यारी फिर बोलो पैसे उन्हें कुल खाई थी करार कुल कमा में तो छोड़ रहा है किसी ने बना के तो नहीं है नहीं ऐसे रोल तो ये शुरू कमा पड़ा है भाई लाल रंग की पर्ची है 1500 रुपए की हाँ 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 आज मैडम कोई बिक्री को नहीं हुई भाई आज मेरे के अंदर कोई बिक्री नहीं हुई अगर बिक्री होगी तो लाल पर्ची पचीता जी और क्या सरकार देगी पूरे एक पंजी नहीं कोई साड़ दी एक नहीं थोड़ा बद ले करो अरे तेरे काम को सरपंच बचा रहा है पशु मेले के अंदर है भाई साहब 1200 पशुओं की एंट्री हुई हुई है और अब समय हो रहा है मेरे ख्याल में शाम के 7 बज गए जो बिके हुए पशु 100 के करीब पशु दिखा रहे हैं बिके हुए और जो 100 रुपये पर्ची एंट्री वाली पर्ची होती है 1500 रुपये जो बिकने के बाद 1500 प्लस 1600 जो 1500 रुपये वाली पर्ची है भाई साहब वो 1500 रुपये वाली पर्ची जिस तरह एक गाड़ी के अंदर 5 भैंसें चढ़ा रहे हैं तो 2 भैंस तो बिकी हुई 2 तो ताज़ा बिकी हुई दिखा रहे हैं तीन के अंदर जो चेयरमैन है ब्लॉक समिति चेयरमैन है बरसीण गाँव है चेयरमैन खुद आया हुआ नहीं है चेयरमैन अपने महिला है नाम का मेरे को पता नहीं उसके हस्बैंड आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं आपके लेवल के 40 आदमी छोड़ रखे हैं कम से कम 10-15 का तो हैं बरसीण के 10-15 हैं यारकी के यहाँ के नज़दीक के कोई कह रहे हैं हमारे को 1000 में रखा हुआ है कोई कह मैं समाज सेवा पर लग रहा हूँ हमारे को ये पता नहीं लग रहा भाई इनको नियुक्त किसने किया है पता नहीं भाई साहब हमारे को तो आज मैसेज लग गया अब हमारे अगली कल इसके बारे में पूरा थोड़ा जो पशु व्यापारी होते हैं उनसे राय मशवरा करेंगे उनसे विचार करेंगे
क्या होता है, अनियमितताएं क्या है, लगभग मेरे को जो इसमें देखने में आया गड़बड़ झाला पूरा पूरा है मामला। आज बताया गया है भाई साहब उनको, वीडियो साहब को बात करी गई, एक एस वो CPO हैं गोयल साहब, वो कह रहे हैं हमारे को पता ही नहीं है, ड्यूटी सेक्टर की होती है। क्या लगता है आप? लगेगा भाई साहब, क्यों नहीं लगेगा, कल DC साहब से मिलेंगे भाई, पशु मेले में किस किस की नियुक्तियाँ हैं, क्या है पशु मेले की जो नियमावली है उसको, सारी चीज़ को देखा जाएगा। वार्ड नंबर 4 से कमल नंबरदार है, जिला पार्षद प्रतिनिधि और हनुमान जी सोनी ब्लॉक समिति पर वो ब्लॉक समिति प्रतिनिधि है। आपका नाम और पद? मेरा नाम जी रमेश और पूर्व बंटी गढ़वाल वार्ड।